कहते हैं हुनर किसी का भी मोहताज नहीं होता है, उसके लिए बस आपको अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही गढ़ दिखाया है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव जयसिंहपुरा के रहने वाले 20 साल के नारायण ठाकर ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियनेस में और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। कहते हैं उम्र किसी हुनर या तजुर्बे की मोहताज नहीं होती है और ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं जयसिंहपुरा के नारायण ठाकर पर, जिनकी उम्र तो महज 20 साल है लेकिन उन्होंने अपने हुनर से वो कर दिखाया है जिसके आगे तजुर्बा भी शायद फीका नजर आता है। और नारायण सिंह के उस हुनर का नाम है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, नारायण सिंह आज अपनी छोटी सी उम्र में अगर लोगों के बीच पहचाने जाते हैं तो उसकी वजह है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ू खेती पढ़ने लिखने का खूब शौक रखने वाले नारायण सिंह आज अपने हुनर और काबिलियत के दम पर खेती में वो अध्याय जोड़ रहे हैं जो शायद ही उस उम्र में कोई जोड़ पाया हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि नारायण सिंह आखिर ऐसा क्या करते हैं कि जिसके लिए आज नारायण सिंह लोगों के लिए इसी उम्र में किसी मिसाल की तरह बनते जा रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में नारायण सिंह कई तरह के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अब तक कई तरह के सस्ते आविष्कार कर चुके हैं जिससे किसानों को खेती करने में सहूलियत होती है। इसके साथ ही नारायण सिंह अपनी छोटी सी उम्र में अब तक लगभग 4 लाख किसानों को अपने आप से जोड़ चुके हैं। नारायण सिंह कहते हैं कि वो सिर्फ खुद अच्छा किसान नहीं बनना चाहते बल्कि वो दूसरे किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने साल 2017 में एक YouTube चैनल आदर्श किसान सेंटर शुरू किया था जिसमें लगभग 4 लाख किसान अब तक उनसे जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि नारायण के पिता नहीं हैं। जन्म से पहले ही पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया था, तो वहीं माँ सीता देवी ने ही नारायण सिंह और उनकी दो जुड़वा बहनों की परवरिश की। पिता के निधन के बाद जब परिवार की पूरी जिम्मेदारी सीता देवी के कंधों पर आई तो उन्होंने खुद को खेती से जोड़ लिया। दोनों बच्चियां छोटी उम्र में ही माँ के साथ खेतों में काम करती थी और इसी के चलते बचपन से ही नारायण सिंह भी अपने खेतों की मिट्टी से जुड़ गया। नारायण सिंह कहते हैं कि मैंने 12 से 13 साल की उम्र से ही माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। पिताजी के 7.5 एकड़ जमीन थी जिसकी उपज हमारे छोटे से परिवार के लिए काफी थी लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा था। इन सब के साथ नारायण सिंह कहते हैं कि वो खेती के साथ साथ पढ़ाई पार्ट टाइम रखना चाहते थे। बचपन से माँ को खेती करते देखता आ रहा हूँ। खेती में महंगाई के इस दौर में काफी परेशानियां आती हैं, जिसके चलते मैंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाली खेती करने पर जोर दिया। नारायण सिंह के पहले जुगाड़ के पीछे नील गाय की परेशानी थी। वो बताते हैं कि नील गाय को खेत से दूर रखने के लिए माँ को रात भर पहरा देना पड़ता था। कीट और पक्षियों को भी दूर रखने के लिए कीटनाशक खरीदने पड़ते थे। खेती पर खर्च बढ़ रहा था और मुनाफा कम होता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे तीनों मुसीबतों को एक साथ टाला जा सके। यहीं से जन्म हुआ है पहले जुगाड़ का आविष्कार। नारायण कहते हैं कि सभी ये बात जानते हैं कि नील गाय रोशनी देखकर भागती है। मैंने एक खाली तेल की पीपे को चारों ओर से काटकर बीच में दिया जला दिया। ऊंचाई पर लगे पीपे को देखकर नील गाय अपना रास्ता बदल लेती थी और पीपे में मैंने पानी भर दिया था ताकि जो भी कीट रात में आए वो रोशनी की ओर आकर्षित होकर पानी में गिर जाए। इससे सुबह के वक्त जब चिड़िया खेत में आती थी तो फसलों की बजाय वो कीट खाती। यही से मेरी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। इस दौरान पहले जुगाड़ के सफल होने के बाद नारायण ने खेती के दूसरे कारगर उपाय भी ढूंढने शुरू कर दिए। उन्होंने इंटरनेट के जरिए पढ़ना शुरू किया, जैविक खाद बनाना सीखा, किसानों के लिए नए नए जुगाड़ू आविष्कार शुरू किए और कई ज्ञानवर्धक बातों के बारे में उन्होंने YouTube का सहारा लिया। यहीं से नारायण को ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक YouTube चैनल बनाऊं जिस पर मैं भी अपनी खेती के जुगाड़ और खेती के फायदे किसानों से साझा कर सकूं। जिसके बाद नारायण सिंह ने अपना खेती का चैनल बनाया और आज उसी के सहारे वो स्थानीय कृषि विभाग से लगातार संपर्क में भी रहते हैं ताकि जैसे ही कोई नई स्कीम या नियम आए तो उसके बारे में भी विस्तार से किसानों को जानकारी दे सके, साथ ही उनसे जानकारी प्राप्त भी कर सके। आज बात अगर खेती की हो तो नारायण सिंह के जुगाड़ कई किसान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके चलते नारायण सिंह के परिवार की आर्थिक तंगी भी दूर होने के साथ साथ नारायण सिंह खुद लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। यही एक वजह है जिसे जानकर पता चलता है कि हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं बनता। हुनर के सहारे हर इंसान अपनी कहानी अपनी तरह से लिख सकता है। तो दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग और पॉजिटिव स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए द इंडियनेस। नमस्कार।